बाकी इतनी बोरिंग नहीं लग रही है हमें मील। अब मील में थोड़े से चेंजेस हुए हैं और कभी कभी बड़ा दुख होता था 2 BHK लेके दिक्कत तो नहीं कर दी। हाँ तो भाई क्यों दोस्त, तुम्हारा स्वागत है फिर से आज पहली फुल डे ऑफ ईटिंग में इस प्रेप सीरीज की पीक वीक की। ठीक है, तो हमें पता नहीं भाई हमने सही बोला है कि नहीं बोला, बट इन शॉर्ट ये फुल डे ऑफ ईटिंग होने वाली है। और आज का सीन ये है, आज कोई वर्कआउट नहीं है, बट भाई एक दिक्कत ये है कि दिक्कत नहीं कहेंगे मतलब ये तो शेड्यूल ही है कि शेड्यूल जो भी है वो तो ये है कि आज के दिन हमें संडे वाले दिन झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो भाई कार्डियो साला 45 मिनट का होता है, ये साला झाड़ू पोछा हो जाता है 2 घंटे का। तो साला ये कार्डियो से बड़ा तो ये है, और सीन ये है कि भाई हमें ही करना है। और कभी कभी बड़ा दुख होता साला 2 BHK लेके दिक्कत तो नहीं कर दी, पर एक दिन का स्ट्रगल है, बाकी दिन के मजे हैं कि चलो तुम्हें जगह के बारे में नहीं सोचना पड़ता कि कम है कि ज़्यादा है, कुछ नहीं सोचना पड़ता। पर संडे को याद आती है, काश थोड़ी जगह कम होती तो एक ही कमरे में लगा के छोड़ देते हैं। बाकी आते हैं पहली मील पे, तो ये हमारी पहली मील होती है और ये हमारी पोजिंग के बाद होती है, जो सुबह हम खाली पेट करते हैं और कुछ वैक्यूम वगैरह करते हैं उसके बाद। तो उसमें होता क्या है वो दिखाते हैं तुम्हें। ये चिकन ब्रेस्ट होता है, मतलब कि इसमें एयर फ्रायर में जस्ट अभी हमने बना के निकाला है। अगेन तुम्हें पता है मैरिनेट हम सिर्फ इस टाइम 2 ही चीज़ों में कर रहे हैं, एक तो हल्दी और दूसरा नींबू, बाकी कोई तीसरी चीज़ नहीं है। और अभी सिर्फ ये बनने के बाद, और तुम पूछ सकते हो ये सवाल कभी कभी आता है कि अंकित भाई जो चिकन बनाते हो कितने टेम्परेचर पर बनाते हो, कैसे बनाते हो। तो देखो मैरिनेट करने के बाद हम सिर्फ इसको 180 के टेम्परेचर पे 15 मिनट के लिए रखते हैं, और डिपेंड करता है, मान के चलो जैसे इसमें पीसेस छोटे छोटे हैं, ये जो तुम बटर पेपर देख रहे होगे इसके ऊपर जो पीसेस हैं ये छोटे छोटे हैं, तो इसको हम 15 मिनट के लिए रखते हैं। जब पीसेस थोड़े बड़े होते हैं हम चाहेंगे कि अंदर तक वो कुक हो, तो उसको हम करीब 17 मिनट तक रखते हैं। तो ये सीन है। बाकी हाँ भाई, आज की मील वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो मैं एक तरीके से इसको शॉर्ट में दिखाएंगे, मतलब इसके तुम शॉर्ट्स देखोगे तो रहेगा क्या अभी क्या। लेकिन सीन है इसके, हम क्या रिकमेंड करेंगे कि जब भी तुम चिकन खाओ, सिर्फ चिकन जैसे खा रहे हो, तो कोशिश करो पहले कि तुम जितना कुक होने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खा लो, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूखता है। और सूखने का उस सूखने के बाद क्या दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगा, मतलब तुम लिटरली इसको अपने गले तक में फील करने लगोगे कि साला चुभ रहा है, तो वो सीन है। तो कोशिश करो कि इसको तुम जल्द से जल्द ख़त्म करो बनने के बाद। और इसके ऊपर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो होगा नींबू। नींबू क्या है, हल्का सा इसको टेस्ट देता है, और तुम थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब तुम नींबू चाट रहे होते हो तो तुम सलाइवा क्रिएट कर पाते हो, या फिर सलाइवा तुम्हारा बनता है काफ़ी जल्दी, तो उससे क्या होगा कि तुम इसको जल्दी चबा के खा पाओगे। देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा टेक्निकलिटी में जा रहे हैं। तो ये सारी कुछ ट्रिक्स होती हैं बेसिकली जो तुम्हें शायद पता होनी चाहिए, और तुम कुछ ना कुछ तो सीखोगे। तो ये सीन है, तो मील को तुम पास से भी देख सकते हो, तो इसको फोकस करते हैं। तो ये है करीब 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है, मतलब कि 250 ग्राम अभी लेंगे, और बाकी 2 मील्स में और रहता है, तो उसको आगे तुम देखोगे। इसमें क्या करेंगे, नींबू ये रखा, देखो तुम दलिया शायद नहीं देख पा रहे हो, दलिया रखा है इसकी याद आती है, इसको लो और इसके ऊपर निचोड़ दो, अच्छे से लगा दो हर किसी के ऊपर। बस यही पहली मील है, मतलब कि जाहिर सी बात है तुम क्या कहते हैं पीक 7 डेज में या फिर पीक वीक में तुम बहुत ज़्यादा वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग तो भाई उबला हुआ खाते हैं, ये तो फिर भी हम भाई कहते हैं कि बहुत टेस्टी है, या फिर एयर फ्रायर वाला में इतनी दिक्कत नहीं होती, एटलीस्ट हमें कुछ तो टेस्ट के लिए मिल रहा है। तो भाई पहली मील यही थी जिसमें 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और आधा नींबू। ठीक है भाई, अब मिलते हैं दूसरी मील में। अब मील में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, वो तुम दूसरी मील में देखोगे। ठीक है, तब मिलते हैं। हाँ तो भाई क्यों दोस्त, तुम्हारा स्वागत है मील नंबर 2 में। और जनरली ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील होती है, क्योंकि तुम्हें पता है हम जैसे दोपहर में वर्कआउट करते हैं तो उससे पहले एक मील लेके जाते हैं, बट क्योंकि आज संडे है तो ये मील जो होती है हमारी पोस्ट वर्कआउट वाली, ये हमारी सेकंड मील हो जाती है, और जो हमारी प्री वर्कआउट मील होती है वो हमारी थर्ड मील हो जाती है। तो वो भी तुम देखोगे, ऐसा नहीं है वो शेयर नहीं करेंगे, शेयर तो सभी को करना है। तो इसमें क्या रहने वाला है, अगेन इसमें ये वेजिटेबल्स, मतलब कि ये तो पत्ता गोभी है, और इसमें हम ग्राइंड करेंगे ये 2 शिमला मिर्च। तो पहले ये ग्राइंड करना है, फिर तुम्हें आगे की मील दिखाएंगे। ठीक है, हाँ तो भाई इसमें वेजिटेबल्स हैं, और इसमें हमने करीब 1 यानी पत्ता गोभी का है, मतलब कि इसमें है करीब 120 ग्राम के आसपास पत्ता गोभी है, और 1 कैप्सिकम है, बड़े साइज की है। तो इन टोटल ये अराउंड 180 के आसपास वेजिटेबल्स हैं।
तो हाँ, इसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये ग्राइंड हो चुका है, अब इसको फ्राई करेंगे। मतलब कि जाहिर सी बात है, इसके साथ हमें फिश लेनी है, तो उससे पहले इसको ग्राइंड करते हैं। और तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अब हमारी कढ़ाइया बदल चुकी है, तो अब हम कैंसर से बच रहे हैं। जो साला वो हमको दे रहा होगा नॉन स्टिक वाला, तो इसको क्या करना है, इसमें खलाएंगे सबसे पहले। अभी ऑयल तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं भाई, बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो फिश भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फैट्स में हाई होती है, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि और ज़्यादा हम फैट्स लें, तो उसके लिए ऑयल तो हम नहीं ले रहे हैं। और तुम सोच सकते हो कि अंकित भाई ये तो फिर इसमें जल जाती होगी। नहीं भाई, जलती नहीं है। एक तो हम इसको सबसे मिनिमम टेम्परेचर पे रखते हैं या फिर मोड पे रखते हैं, प्लस क्या कहते हैं, इसमें जो तुम्हारी पत्ता गोभी होती है, ये थोड़ी सी मॉइस्चर होती है इसमें, तो पहले तो वही उबलती है एक तरीके से, तो ये जलने नहीं देती इसको। तो अब बात करते हैं इसके साथ मेन इंग्रेडिएंट की, वो है ये फिश। अगेन इसमें करीब 250 ग्राम फिश है, ये जो तुम देख रहे हो इसमें 250 ग्राम फिश है, और इसको इसमें डालेंगे। तो इसमें ये हमने फिश डाल दिया है। अब इसको कुछ नहीं करना, बस इसको तुम्हें स्टीम लगने देनी है, एक तरीके से भाप इसको लगने देते हैं अच्छे से कम 5 से 6 मिनट, बस इतनी ही मील है। इसके ऊपर हम नींबू ज़रूर निचोड़ेंगे, तो इसका तुम्हें क्लोजअप शॉट भी दिखा देते हैं। तो इसका तुम्हें क्लोजअप शॉट दिखाते हैं, तो ये देखो भाई, ये आ जा 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 जा, ये तो कुछ ऐसा दिखता है ये। आई थिंक टेस्ट में काफ़ी सही दिखता है, मेन चीज़ ये है। मेन दिखता नहीं, मतलब कि लगती है, टेस्ट में काफ़ी सही लगती है। अगर तुम हमसे चिकन और इसमें कंपेयर करवाओ, अगर देखो थोड़ी सी हमें इसको मैरिनेट करने में कह सकते हैं, मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है चिकन के कंपैरिजन में, चिकन ब्रेस्ट के कंपैरिजन में। बाकी आई थिंक अगर कोई ऑफर दे हमें कि तुम्हें क्या खा सकते हो अगर हम तुम्हें बना के दें, तो उसमें होगी बोनलेस सैल्मन फिश, और बस ये प्रेफर करेंगे ओवर चिकन। तो ये पूरी मील है। अब इसके बाद तुम्हें मिलेंगे हम तीसरी मील में। तीसरी मील होती है जो जनरली हमारी प्री वर्कआउट मील होती है, बट आज वो हमारी शाम को मील चलेगी, तो उसमें मिलते हैं। हेलो किड्स, तो उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो ये है हमारी तीसरी मील, जनरली ये बाकी दिन पर हमारी प्री वर्कआउट मील रहती है। तो और दिन क्या रहता था इससे जस्ट एक पहले जो जर्नी थी उसमें हमारे इसमें ओट्स रहते थे, बट अब ओट्स हट गए हैं। मतलब कि अब सिर्फ हमें क्या कहते हैं ना कि जो कार्ब डिप्लीशन होता है, या फिर जो तुम डिप्लीटेड टर्म यूज़ करते हो या फिर सुनते होगे बहुत प्रेप के टाइम, तो वो सीन होने लगा है। तो उसमें क्या रहता है कि अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही लेते हैं, एंड जो पहले कार्ब्स लेते थे प्री वर्कआउट मील में, ओट्स रहते थे सिर्फ हमारे कुछ 40 ग्राम, तो वो भी आज से हट गए। ऐसा नहीं था कल तक तो हमने लिए थे, बट आज से हट गए। तो इसमें करना क्या है तो इसको हम बता दें, पहले इसको रख दें। और इसीलिए इस हफ्ते हम सिर्फ एक ही ट्रे लेकर आए हैं, क्योंकि यही तब तक चल पाएगी, वरना ज़्यादा लाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसको करना है सिंपल सा ये है कि इसकी सारी एग वाइट्स इसमें फोड़नी है, और मिला के सिंपली जैसे तुम ऑमलेट बनाते हो वो बना के खा जाना है। तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ तो भाई ये देखो, इसमें एकदम परफेक्ट जो है तो होता है ना, ये देखो आई थिंक तुम देख पाओगे कि नहीं, एकदम परफेक्ट एग वाइट्स इसमें निकली हैं। तो तुम समझ रहे होगे कि एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में हम। इसको पहले खड़ा कर दें। अगेन इसमें क्या कर सकते हो तुम, हम बस बता सकते हैं, हालांकि हम तो एकदम स्ट्रिक्ट 0-0 डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें तुम ऐड क्या कर सकते हो, सपोज अगर तुम्हें ये नहीं खानी, सिर्फ एग वाइट्स नहीं अच्छी लगनी, तो इसकी जगह तुम क्या ऐड कर सकते हो इसके साथ, मतलब इसकी जगह नहीं, क्योंकि इसके साथ तुम ले सकते हो वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के साथ साथ तुम ऐड कर सकते हो कुछ फैट्स के सोर्सेज ऐड कर सकते हो। कार्ब्स तो हम मना ही करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम्हें आज बताया कि अब से हमें कार्ब्स बंद करने हैं। और तुम्हें पता होगा कि नहीं कि एक एग वाइट्स में अराउंड मेरे ख्याल से 17 कैलोरीज होती हैं, तो ये 5 एग वाइट्स की मेरे ख्याल से तुम्हारा कितना, मेरे ख्याल से 100 भी कैलोरीज नहीं होंगी। तो एग वाइट्स का एक फ़ायदा और है कि बहुत कम कैलोरीज होती हैं। योक को मिला दो तब ज़्यादा हो जाता है मामला थोड़ा सा, इसीलिए योक बिल्कुल ही हमने नहीं लिया। मतलब योक तो कई दिनों से ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट मील में भी मेरे ख्याल से कुछ दिन तक हम एक योक रखते थे, फिर आखिरी के कुछ दिनों में तो वो भी हमने हटा दिया था। तो सिर्फ और सिर्फ एग वाइट्स हम ले रहे हैं, देन इसको चलाते रहेंगे और ये 2-4 मिनट में ही बन जाएगा। तो ये सीन है भाई, ये देखो ठीक है,
तो ये है हमारी तीसरी मील। पहली मील तुमने देख ली होगी हमारी, जो ब्रेकफास्ट था जिसमें थे सिर्फ चिकन ब्रेस्ट। दूसरी मील तुमने हमारा लंच देखा था, और ये हमारी प्री वर्कआउट मील। ठीक है भाई, अब मिलते हैं चौथी मील में, जो कि होगी, जो कि जनरली हमारी बाकी दिन पे वो होती है अराउंड 6 बजे के आसपास, यानी कार्डियो करने से करीब 2 घंटे पहले। ठीक है, तो उसमें मिलते हैं। तो तुम्हें अपनी चौथी मील दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल है। और जो बेसिकली हमारा ब्रेकफास्ट रहता है, सेम चीज अभी हम रिपीट कर रहे होते हैं बेसिकली, जिसमें कुछ नहीं है। ये 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट रहेगी, और अगेन इसको अभी हमने फ्रेशली ही बनाया है। मतलब जैसे हमने तुम्हें पहले बताया था कि कोशिश ये करते हैं कि चिकन ब्रेस्ट को जितना तुम फ्रेश हो सके उतना खाओ, ताकि अगर एक बार ये सूख गया तो दिक्कत कर देता है। पहले इसको छुटा ले अच्छे से। पूरी मील कुछ ये होगी इस तरीके से, ये है, और इसमें बस एक नींबू निचोड़ेंगे, दैट्स इट। तो हाँ, ये छोटी सी मील है, और अब मिलते हैं चौथी मील में, जो कि होगी हमारी आखिरी मील और डिनर, तो तब मिलते हैं। हाँ, तो भाई स्वागत है तुम्हारा इस पांचवी मील में और आखिरी मील में। अगेन ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही होने वाली है, जिसमें है ये वेजिटेबल्स। अगेन ये 150 ग्राम के आसपास हैं, और दो ही इसमें सब्जियां हैं, एक तो पत्ता गोभी और दूसरी शिमला मिर्च, और इसके साथ है ये 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। इसको अगेन कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली इसमें डाल के गर्म करना है, या एक तरीके से थोड़ा सा फ्राई करना है। तो इसको इसमें डाल देंगे। तो जो डिनर वाला चिकन होता है, उसको हम चाहें तो पहले बना के रख सकते हैं, और उसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि अभी हमें इसको वैसे भी भाप देनी देनी है। तो जब तुम इसको स्पेशली जब स्टीम देते हो, तब ये सॉफ्ट हो जाता है एनी हाउ, तो वो चीज़ सही है डिनर के लिए स्पेशली। और इसमें अगेन टेस्ट के लिए बस एक चीज़ ऐड करी जाएगी, वो है नींबू। पर पता नहीं क्यों हमें ये सुनने में मील बहुत बोरिंग लगती है कि क्या है, चिकन ब्रेस्ट और सिर्फ वेजिटेबल। बट जब हम टेस्ट इसको करते हैं, लिटरली इतना बुरा नहीं लगता। और इसका हमें रीजन लगता है कि हम जिस तरीके से शायद चिकन बना रहे हैं एयर फ्रायर में, वो इसको काफी एक तरीके से सस्टेनेबल या फिर टेस्टी बना रहा है, या फिर हो सकता है कि पत्ता गोभी जो है थोड़ा सा इसको फ्लेवर ऐड कर रही है, जो भी रीजन है। और नींबू तो भाई करता ही करता है, मेन चीज तो हम उसको ही देंगे क्रेडिट कि वो एक अच्छा फ्लेवर ऐड करता ही करता है। बाकी इतनी बोरिंग नहीं लग रही हमें मील। अगर मान के चलो अगर ये प्रेप हमारी थोड़ी लंबी होती, देन जहां हमें ये अभी हमें 15 दिन पुश करना पड़ा है, तो उसकी जगह अगर हमें ये 20 दिन या 25 दिन भी करना होता है, एंड अगर हम एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेप में आ रहे होते और हमें उसके लिए ये मील लेनी पड़ती, देन आई थिंक इतनी दिक्कत शायद हमें नहीं होती। हम इसको फॉलो कर लेते हैं अगर 20-25 दिन के लिए भी फॉलो करना होता। तो भाई तुम्हें एक फाइनल लुक दे देते हैं कि मील बनने के बाद कैसी दिखती है। तो ये देखो भाई, लोग पता नहीं यार कैमरा लगा लगा के दिखाते हैं फोटो, हम तुम्हें ऐसी कढ़िया उठा के दिखा देते हैं, लो देख लो भाई ऐसी दिखेगी। तो समझ जाना भाई, तुम कुंवारों के सरदार होने के नाते इतनी हमें छूट मिलती है कि हम तुम्हें ऐसे दिखा दें और तुम देख लेना। तो ठीक है भाई, तो ये था हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग इस प्रेप सीरीज में, और ये मेरे ख्याल से आखिरी फुल डे ऑफ ईटिंग होगा। इसके बाद तो जो ईटिंग होगी वो कार्ब लोडिंग वाली होगी, जो शायद हम शेयर करेंगे तुम्हारे साथ कि कार्ब लोडिंग में हमने क्या क्या खाया था, खाएंगे मतलब, तो वो सीन भी रहेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली होगी। ट्राई करने की जरूरत नहीं है अगर भाई तुम प्रेप में नहीं जा रहे हो, तो अगर जा भी रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए क्या चीज़ें काम करती हैं वो भी काफ़ी चीज़ अलग है। तो हमें लगा कि हम सिर्फ इस जर्नी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये शेयर करना भी बनता है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ वैल्यू ऐड होगी तुम्हारे लाइफ में, कुछ सीखोगे कि क्या करना होता है कि प्रेप के टाइम पे। तो हाँ भाई, यहीं तक रखते हैं क्यूड़ाज वीडियो इसको, और चैनल पे नए हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और चैनल तुम्हारा ही है तो सब्सक्राइब बाद में भी कर सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।